मैं पवन शर्मा, पोनीलैंड कैनल भिवानी हरियाणा से। पिछले 15-20 साल से लगातार पग की ब्रीडिंग कर रहे हैं। हमारे पास हमारी ब्रीडिंग के 5 से 6 जनरेशन है। जितने भी हमारे कैनल के अंदर जितने भी डॉग हैं सारे हमारे केसीआई से रजिस्टर्ड हैं, कैनल क्लब ऑफ इंडिया से। मेरे पास पग की काफ़ी अच्छी ब्रीड है। ये लगाओ आप पूरी इंडिया में काफ़ी जो भी अच्छे अच्छे इंपोर्ट डॉग हो क्या हैं उसके सबके ब्लड लाइन के डॉग्स हैं हमारे पास। हमने काफ़ी अच्छे डॉग यूज किए हैं। अमेरिका से काफ़ी डॉग अच्छे अच्छे आए हैं। जैसे अमेरिका से एक डॉग आया था प्रिंस इंपोर्ट, तो उससे भी हमने स्टड लिया। फिर एक 2017-18 का नंबर वन डॉग रहा है इंडिया चैम्पियन डीजे, उसका भी हमने हमारे पास स्टॉक है हीरो और बर्फी। और फिर हमारे पास जॉयसन इंडिया चैम्पियन जॉयसन का सन है मिका। काफ़ी अच्छे नामी ग्रामी काफ़ी डॉग हमने यूज किए। हमारे पास हमारी ब्रीडिंग के 5 से 6 जनरेशन है। हमारे जो कैनल के पपी पूरी इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पे गए हैं और इंडिया से बाहर भी हमने 2-3 बार पपी दिए हैं। और कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जहाँ पर हमने पपी ना दिया हो इंडिया के अंदर। कोई भी जैसे नागपुर है, कोल्हापुर है, या जयपुर, या दिल्ली, गुड़गांव, गोरखपुर, हमें पूरा याद भी नहीं रहता कि कहाँ कहाँ हमने पपी दिए हैं। कोई भी स्टेट या कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ पे हमने पपी ना दिए हों आज तक। और प्रॉपर हमारे पास डिमांड आती रहती है क्योंकि हम कोई भी पपी बाहर से उठा के या बाहर से कोई भी किसी प्रकार का हम काम नहीं करते, क्योंकि जो ब्रीडिंग हमारे कैनल पर होती है उसी को हम सेल करते हैं। हम पिछले 15-20 साल से लगातार पग की ब्रीडिंग कर रहे हैं और बीगल भी हमारे पास 7-8 साल से, पिछले 7-8 सालों से हमने बीगल भी अपने पास रखने स्टार्ट किए हैं। लेकिन जो हमारा पुराना और काम है वो है सिर्फ पग की ब्रीडिंग का। हम अपने यहाँ सिर्फ होम ब्रीडिंग ही करते हैं, कोई भी पपी दाएं बाएं से या कोई भी उठाकर नहीं बेचते हम। हमारी पग बीगल की ब्रीडिंग है जी, इनका जो फादर है वो है जैक, पोनीलैंड जैक। उनका पपी का जो ग्रैंडफादर है वो है अमेरिका से इंपोर्ट, अमेरिका चैम्पियन इंडिया चैम्पियन रेमिंगटन, जो अजय प्रताप जी के पास है दिल्ली में, उन्होंने इंपोर्ट करवाया था। उससे हमने स्टड लिया था, उसमें से अपना रिटेन किया जैक। तो जैक की प्रोड्यूसिंग आप सबके सामने। बीगल में भी हमारे पास 3 से 4 जनरेशन है। पिछले 8-9 साल से हम बीगल में लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छा करने का मन है। आप लोगों का प्यार और यूँ ही मिला रहेगा सब, तो बिल्कुल अच्छा करने की कोशिश आगे भी करेंगे। बीगल में इस टाइप के पप्पी होने चाहिए, हैवी बोन हो, कलर मार्किंग प्रॉपर हो। हमने अभी तक पप्पी के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं डॉग को कैसे रखना चाहिए। डॉग को केज वगैरह में ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना चाहिए, थोड़ा 10-15-20 मिनट के लिए जैसे आप रख सकते हैं, जैसे सफाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें आप डॉग को केज के अंदर रख सकते हैं। टेम्परेचर का विशेष ध्यान देना होता है, काफ़ी आजकल जो गर्मी है उसमें कूलर वगैरह ज़्यादा काम नहीं करते। हमने अपने सभी डॉग्स एसी में रखे हुए हैं, वो 24 आवर्स एसी के अंदर रहते हैं, जिससे टेम्परेचर अच्छा रहता है और डॉग फिट रहता है बिल्कुल। जैसे हम एसी में नहीं रखेंगे या उनको कूलिंग वगैरह नहीं देंगे तो खाना खाने में बड़ी समस्याएँ करते हैं, क्योंकि काफ़ी बहुत टेम्परेचर 48 के आसपास चला जाता है हमारे यहाँ गर्मियों में। तो उसमें बचाने के लिए बस यही है अपना, अच्छा उसको जिसके पास मान लो एसी वगैरह नहीं तो कूलर में भी आप उसको रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एसी में ही रखना उसको ज़रूरी है। खाने में उसको आप दही दो गर्मियों में, अंडा दे सकते हो थोड़ा बहुत, रोटियाँ दे सकते हो, जो नॉन वेज देता है थोड़ा बहुत नॉन वेज भी आप दे सकते हो। जैसे कि पहले तो हम करते हैं कि पग की ब्रीडिंग की, पग अगर आपकी है तो प्रेग्नेंट हो जाती है जैसे 35 डेज पे, उसको डाइट थोड़ा सा लिमिट की दें, थोड़ा अच्छी डाइट दें, क्योंकि ज़्यादा हैवी अगर आपने डाइट दे दी तो बच्चे वगैरह उसमें बाहर निकलने में समस्याएं आती हैं, क्योंकि छोटी ब्रीड है और बच्चा हैवी होने के बाद यूट्रस से बाहर निकलने में समस्याएँ आती है काफ़ी, जिससे सीजरिन तक करवाना पड़ जाता है। बाकी ऐसे ही सेम बिगल में है,
और होम डाइट पे आप ज़्यादा ध्यान दें, जैसे सोयाबीन की रोटी जो मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, गेहूँ चने और सोयाबीन की जो दाल आती है उसका आटा पिसवा लो, उसकी रोटियाँ दो, उसमें बॉयल एग भी दे सकते हैं आप मिक्स करके, और जो बाज़ार के फूड हैं कभी कभार वो भी दे सकते हैं। हाँ, जैसे आपके यहाँ पप्पी हो जाते हैं उसके बाद आपको वो देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, रॉयल कैनन दे सकते हैं आप, या पेडिग्री स्टार्टर दे सकते हैं मदर एंड बेबी, उससे पप्पी की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। जैसे ही आपके पप्पी 14-15 दिन के होते हैं तो उसको आप थोड़ा सा सेरेलैक स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे 5-7 दिन के बाद उसमें आप थोड़ा सा रॉयल कैनन, जो रॉयल कैनन या मिनी स्टार्टर जो भी फूड आप देना चाहते हैं, जो आपको आपके पॉकेट पे असर ना ज़्यादा डाले, जो आपको सूटेबल करे, उसमें थोड़ा सा रॉयल कैनन या पेडिग्री जो भी आप देते हैं वो थोड़ा सा मिक्स कर लो सेरेलैक के अंदर। दिन में 3-4 बार पप्पी को थोड़ा थोड़ा दो, जिससे पप्पी की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। ऐसे धीरे धीरे देते देते उसके बाद उसको रॉयल कैनन उसका थोड़ा सा बढ़ाते जाओ और सेरेलैक थोड़ा कम करते जाओ, इसमें आपको पप्पी हो जाएगा 30 डेज़ का, 30 डेज़ तक ये ऐसे ही चल ले दो, उसके बाद प्रॉपर रॉयल कैनन और दही मिक्स करके उसको देना शुरू कर दो। और डिवॉर्मिंग वैसे तो 20-25 डेज पेन की कर देते, लेकिन छोटी ब्रीड है इसकी डिवॉर्मिंग आप 30, मैं तो 30 डेज पे करता हूँ, बाकी सबका अपना अपना अलग एक्सपीरियंस है। 30 डेज पे आप, जैसे आपका पप्पी मान लो एक किलो वेट का है, 1 किलो का है, तो उसमें आप 1 ml ड्रोन टाल प्लस या कोई और अच्छी ब्रांडेड कंपनी की दे सकते हैं आप। ये 1 किलो में 1 ml दी जाती है और हर 15 दिन में आप रिपीट करो अपने पप्पी पर, 3 महीने तक ऐसे ही 15-15 दिन में रिपीट करनी है आपने। उसके बाद 3 महीने के बाद आपने, जैसे आपके पप्पी का वेट हो गया 5 किलो, तो उसमें आपने देनी है फिर ड्रोन टाल प्लस, IG पैट क्लोजिन, काफ़ी ब्रांडेड वो आई हुई हैं टेबलेटें डिवॉर्मिंग की, उसमें आपको 10 kg वेट पे 1 टेबलेट देनी होती है। जैसे अपने डॉग में 5 kg वेट है तो आधी टेबलेट आप उसको दे सकते हैं, हर महीने देनी पड़ेगी फिर आपको। फिर आपको ऐसे ही जैसे आपने 30 डेज तक फर्स्ट डिवॉर्मिंग की, 45 डेज पे आप इसको, अब वैक्सीन की बात करते हैं, 45 डेज पे आप फर्स्ट वैक्सीनेशन इसकी करवा लें। काफ़ी कंपनी आती हैं, इंटरवेट है, फाइजर है, काफ़ी हैं, 45 डेज पे फर्स्ट वैक्सीनेशन करो, 15 दिन पे दोबारा रिपीट करो। डिवॉर्मिंग करने से पहले ये वैक्सीनेशन करने से पहले ये देख लो कि डिवॉर्मिंग आपने की है कि नहीं, क्योंकि जब तक आप डिवॉर्मिंग नहीं करेंगे तो वैक्सीनेशन में कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर 15 दिन बाद फिर रिपीट वैक्सीनेशन, जैसे हमने डिवॉर्मिंग की वैसे ही रिपीट वैक्सीन करनी है। तो वैक्सीनेशन हर 15-15 दिन पे 2-3 करके, उसके बाद जैसे पप्पी हो जाएगा आपका 3 महीने के आसपास का, फिर उसकी रेबीज की 1 डोज उसको लगा दो। दोबारा लगाना चाहो तो 15 दिन बाद दोबारा आप उसकी कर सकते हो, क्योंकि वैक्सीनेशन फ़ायदा ही करती, कभी नुकसान नहीं करती। हमारे जितने भी हमारे कैनल के अंदर जितने भी डॉग हैं सारे हमारे KCI से रजिस्टर्ड हैं, कैनल क्लब ऑफ इंडिया से। आप किसी भी टाइम कभी भी हमारे यहाँ आकर आप डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, हमारी लाइफ टाइम पप्पी की गारंटी होती है। लेकिन मेरी एक और वो है कि आप किसी भी कैनल से पप्पी लें, कोई भी ब्रीडर अड़का नहीं होता, सब अच्छी ब्रीडिंग करते हैं, कोई भी ये नहीं है कि आपको गलत चीज़ देता है, मेरी जो सोच है। और उसमें 50% जो वो रहता है कस्टमर का, कि आप उसको ले जाके किस माहौल में रखते हैं, किस टेम्परेचर में रखते हैं, क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, वो आपने देखना है। इसमें ब्रीडर आपके घर नहीं जा सकता, ना वो ब्रीडर आपके घर जाके आपको गाइड कर सकता है। हमारे यहाँ से जो भी पप्पी लेता है, हम हर 15 दिन में बोलते हैं कस्टमर को कि भाई आप अपने पप्पी की, हमारे यहाँ से जो पप्पी लेके जाते हैं कि उसकी आप वीडियो ले दो, उसमें कोई भी किसी प्रकार की थोड़ी बहुत कमी होती तो हम उसको बता देते हैं भाई ये डाइट दो, ये खाना खिलाओ, या थोड़ी एक्सरसाइज करवाओ, क्योंकि उसमें फिर कस्टमर को जैसे पता नहीं होता, न्यू कस्टमर होता है तो सीख जाता है धीरे धीरे ना, टाइम पे डिवॉर्मिंग करना है, टाइम पे वैक्सीनेशन करना, सभी चीज़ें हम बताते हैं। क्वालिटी लवर चैनल के माध्यम से आप सभी जो हमारे दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, जिससे भी पपी लें जाकर पहले पपी चेक करें, और टोकन मनी वगैरह पूरा पूरा वो करके
क्लियर करके टोकन में डाले, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं ना काफ़ी सोने में आता है, काफ़ी कॉल आती है हमारे पास लोगों की कि भैया हमने उनके पैसे उनके अकाउंट पैसे डाले, उन्होंने ना तो फिर बाद में पैसे डलवाने के बाद ना तो कॉल उठाते हैं, ना वो उनका जो टोकन मनी लिखा उनकी टोकन मनी वापस करते हैं, ना उनको कॉपी देते हैं। तो वो जो कस्टमर बेचारे पहले से ही परेशान होते हैं, वो दूसरे हमारे जैसों के अकाउंट में या किसी और के अकाउंट में पैसे डालते हुए डरते हैं, क्योंकि उनका पहले ही बेचारे उनका तो काफ़ी नुकसान हो चुका है। इसका खामियाजा हम सभी को जो काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रीडर हैं उनको सबको उठाना पड़ता है, क्योंकि डरते हैं लोग ना काफ़ी, वो सोचते हैं कि भाई हम कभी इनके भी अकाउंट में पैसे डालें, कभी ये भी चीटर ना हो या फ्रॉड ना हो, क्योंकि आजकल बड़ा सिस्टम ना बहुत ख़राब है। तो मेरी आप लोगों से यही है भाई, अगर आप आस पास है तो आप जाकर खुद देखें, चेक करें, कॉपी खिला पिला कर देखें, पहले संतुष्ट होएं, उसके बाद आप उससे कॉपी।